सैया जी के प्यार मिली जनमा जनमा, सैया जी के प्यार मिली जनमा जनमा, कि गोदमा हमको मेला याद आ रहा है। देखिए देखिए मेला देख के जा रहे कहा था ना मेला ही है, मेरा दिल का कनेक्शन जुड़ गया है। आप सभी को मेरा नमस्कार है, मैं हूं मनोहर सिंह। हम लोग जा रहे हैं एक शो में, हमारे साथ हमारे साथी हैं, और वो शो कौन सा है आप सभी को बताता हूं। आइए के बनी माटी के लाल सीजन 5 का आज है फिनाले, जिसमें हम लोग अपनी उसका एक हिस्सा बने जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, हम दोनों जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। आइए मिलते हैं फिर। अपनी माता जी का प्यार आशीर्वाद लेके हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ देखिए ठाकुर जी फिर से गाड़ी में सो रहे हैं। अब मैंने इनको चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। फरवरी का मौसम है, चारों तरफ खेतों में हरियाली दिख रही है, और आप देख सकते हैं सरसों कितना सुंदर लग रहा है। क्या चॉकलेट? ये चॉकलेट है ना, आप सोए हुए थे, मैंने आपको शूट कर लिया। हार्ट ब्लेस, थैंक यू। ये आपको मैं सोच रहा हूँ खिला दूँ। ये दिल है की मानता नहीं, टंडन 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 टंडन, ये हमारा दिल है आपके लिए जो धड़कता है धक 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 धक। हमको मेला याद आ रहा है। देखिए देखिए मेला देख के जा रहे कहा था ना मेला ही है, मेरा दिल का कनेक्शन जुड़ गया है। सही कह रही है, अच्छे लग रहे हैं लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। देखिए ये हमारा भारत, एक्चुअल हम तो गाड़ी में चल रहे हैं, खाली भौकाल आजकल दुनिया में कुछ है नहीं, असली सुख वही है। सही बात है कि नहीं? बाय भैया, बाय चाचा, बाय बाय चाचा, बाय। ये ये हाथी मेरे साथी, हाथी आपके साथी नहीं, हम आपके साथी हैं, हमें हाथी ना बनाइए आप, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा सफर बहुत आसानी से कट जाता है, और हम लोग होटल पहुंच गए हैं। हेलो, क्यों आप सो रही हैं आके यहाँ पे? अभी रूम रेडी हो रहा है, हाँ। तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं यहाँ पे, ठीक? अच्छा है, बाकी है ना, तो अभी हम लोग होटल में आ चुके हैं, मानस होटल में। चाय आ गई हम लोग की। दिमाग खुल गया थोड़ा सा, चाय बहुत अच्छी बनी है। अलका, जब रविकिशन भैया के अब चुनाव प्रचार में आए थे, सेम रूम था, इसी रूम में हम लोग, यही रूम था। जैसे कि ठाकुर जी ने बताया, इस रूम में वो 5 साल पहले आए थे, चार साल पहले जब आपने रवि किशन जी का चुनाव प्रसार किया था, तो इस रूम में मैं भी हूँ। लग रहा है कि मुझे भी चुनाव प्रसार के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई अगर मुझे कैंडिडेट देखना चाहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी टू ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। इसी बीच हमें सिंगिंग कॉम्पिटिशन के फिनाले के लिए तैयार होना है, तो हम रेडी हो रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन तो अभी हम हो चुके हैं रेडी भारतीय परिधान में, क्योंकि ये लोक गीतों का ये कार्यक्रम है, और हमें अपने संस्कृति को रिप्रेजेंट करना है, अपने भोजपुरी, अपने लोक गीतों को। अब चलते हैं। लेकिन आप भोजपुरी बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। बोली तारुवा लोग के स्वागत बा। अच्छा ठीक बा, यही बोली चलो था तारुवा लोग के स्वागत बा हमारी ब्लॉग में, और अभी हमारी अपन भारतीय परिधान में, और आज जन कार्यक्रम में जात बहनी वो भारत हमने के अपन लोक संस्कृति हमने के भोजपुरी भाषा के प्रेजेंट कर रहा था, लोकगीत के कार्यक्रम बा, ऐसे हम लोग भोजपुरी भाषा बोल रहे बनी, और अपन भारतीय प्रधान में पहले बने, तो चले जाओ हमने के मंच पे, बहुत मजा आए। आई आप हो के ले ली हम। तो हम तैयार हो गए बानी, बहुत हमके अच्छा लगा था, तो चली चल जा सीधे मंच पर, चल जाए। तो अब हम चलते हैं लोकेशन पे जहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन का होने वाला है ग्रैंड फिनाले, बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह। हमने आ गेल बानी जा अपना गंतव्य स्थल। नमस्कार नमस्कार भैया, भैया कैसे हैं? सिपी भैया ठीक है? जय श्री राम, जय जय श्री राम, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। के बनी माटी के लाल कार्यक्रम में पधार चुके हैं, हम यहाँ शोभा बढ़ाएंगे, इन्हीं का इंतजार था और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पहुँचते ही फैन मोमेंट चालू हो गया है, यहाँ पे गेस्ट आने लगे हैं। इन्हें आप कैसे पहचान रही हैं? हमें भी पहचान रही हैं। अरे भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया राकेश श्रीवास्तव जी।
भोजपुरी लोक विधा पर आधारित सिंगिंग कॉम्पिटिशन है और हम लोग मंच पे आ गए हैं। हमारी कुर्सियां रेडी हैं, हमें जज करना है प्रतिभागियों को। अब कार्यक्रम हो गया है शुरू। रहता जोरदार ताली आप लोग बजावत रहेंगे। भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नारी शक्ति के बार बार सम्मान करेंगे। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था इस सिंगिंग कंपटीशन में, जो लोक विधाओं पर आधारित है, जिसके माध्यम बड़े भैया राकेश श्रीवास्तव जी हैं। तो पूरी लाइट ऑन करें, पूरी लाइट पहाड़िया जो भी लाइट है यहां। मैं हूं के बनी माटी के लाल। सिंगिंग रियलिटी शोज कंपटीशन के निर्णायक की भूमिका में आज हम लोग हैं और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अपना नाम बताइए। आदित्य वर्मा। की उपस्थिति से जो सुंदरता विद्यमान हो रही है, उस सुंदरता को मेरा कोट कोट प्रणाम। एक चीज हम कहा चाप देखिए, यहाँ चार थे कालम बा, एक थे लय बा, एक थे ताल बा, एक थे सुर बा और एक थे प्रस्तुति बा। चारों के बराबर अंक, एक के चक्कर में तीनों नहीं के खराब करेंगे। प्रस्तुति बहुत बेहतरीन होके सुर गबड़ा जाए, लय गबड़ा जाए, ताल गबड़ा जाए, तो एक थे के ध्यान में रखे कि चक्कर में तीनों के खराब करने की जरूरत नहीं है। ना प्रतिभागी के ई सबसे पहले समझल जरूरी है। तो एक जो भी प्रतिभागी सुनत है, एक ध्यान रखी। इस तरीके से पांच प्रतिभागियों को हमें सुनना है और उसमें से बेहतर सेलेक्ट करना है। सभी लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन इसमें कठिनाई है कि इसमें चुना किसको जाए, वही हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अवध के धरती से आप आई पार्टी, गाजीपुर के शान बढ़ावत है, आई गोरखपुर में आपको सबके बता दें। देखो हमनों के दोनों परानी कैसन सबके नचावे ले, तो आई मनोहर सिंह जी और उनके संगिनी बुलावत है और यहाँ पे गाय यहाँ पे बताए। एक जोरदार ताली होके के चाहिए कि संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से ही आई पार्टी। आभार व्यक्त करते नहीं हम बड़े भैया राकेश श्रीवास्तव भैया के, हम उनकी गार्जियन हवा और आपके स्नेह आशीर्वाद यहाँ खींच के लेके आई बा। बदन बा गरम आग पानी से राय, जुल्म हो गई बा हर नदी के नहा, लोगों की इच्छा और सबकी डिमांड थी, तो हम लोगों ने भी अपनी छोटी सी प्रस्तुति लिखी हौसला अफजाई के लिए प्रतिभागियों के साथ। सारे मान्य अतिथि गणों का मैं अलका सिंह पहाड़िया बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत करती हूँ। दिला के बल खा के चुनरी सर से हाय सरंग
भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए कुछ अमेरिका से गेस्ट आए हुए हैं, ये भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। चलिए सर प्रसन्नचित, अब आए, अब आप लोगों के संस्कृति विभाग कैसन जल भेजले बा, ये लोगों के एहसास करावत है। अरे वाह, क्या बात है। भोजपुरी परंपरा संस्कार को कायम रखिए, एक दिन इन्हीं की वजह से आप भी नामी हो जाएंगे। भगवान करे आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो। यह लड़कन के बोला कि आपके उम्र के अंदाजा लगवा दे, एक महिला हो के मालिक गजब का दिया। कितना जनी जाना तो है कि ये सीता के कौन राम मिले हैं और आप बिल्कुल लोकुश दिखा दे। अरे जाए दे, चल अब आगे चलते के बनी माटी के लाल के ग्रैंड फिनाले का आखिरी परफॉर्मेंस चल रहा है। इसके बाद बारी आएगी हमारे फाइनल डिसीजन की, देखते हैं आज कौन जीतता है। आप ही कर दीजिए सिग्नेचर, आपने निर्णय लिया है जी। बहुत शानदार निर्णय आपने लिया, और हमारे निर्णय में आपके निर्णय में थोड़ा अंतर है। हाँ। अच्छी बात है। आखिरकार हमें पता चल गया कि विजेता कौन है, और आप लोगों को भी अब पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपके जजेस हैं उनकी भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, आपके जो बहुत बहुत अच्छा कार्य। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका सम्मान स्मृति चिन्ह से। और फाइनली इसी के साथ इंतजार खत्म, और ये रहा विजेता का नाम जो कि चेक पे लिखा जा रहा है। जो हमारे जजेस ने जो आज अपने अंक दिए हैं, मनोहर जी ने 72 और 78 अंक जो दिया है, 150 अंक इनको मिला है वीर सेतुजी जी को, और यहाँ से जीत रहे 25,000 रुपए। एक जोरदार के लिए। बनी माटी के लाल सीजन 5 के विजेता हैं वीर सेन सूफी जी को, बहुत बधाई। आखिर में हमने अपने फैंस के लिए समय निकाला, जो हमें सुनते देखते और खूब पसंद करते हैं, उनके बीच हमने फोटो सेशन किया, और ये बहुत अच्छा लग रहा था सभी से मिलकर के। की राम सिया की जोड़ी हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप लोग, और ढेर ढेर सारा मेरा प्यार और आशीर्वाद आप लोग। बिल्कुल आप लोग राम सिया हैं, एकदम राम सिया हैं। एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी। एडवांस में पता चल गया तेरा एनिवर्सरी। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप लोग नहीं होते तो शायद मजा भी नहीं आता। मैम आपका गाना, आप दोनों लोग का गाना आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही जोड़ी नंबर वन। पूरे टाइम लिटरली अपने को हम लोग रोक नहीं पा रहे थे, एक तरफ से कैमरा एक तरफ से हाथ ऐसे ऐसे हो रहा था। हम लोग दूसरा करके शुरू ना हो गाने के अलावा इधर ठाकुर जी लगे हुए। शादी के एक वर्ष पूरे होने वाले थे, और सभी लोगों ने खूब दिल से आशीर्वाद हमें दिया, हम दोनों को अपना प्यार सम्मान दिया, जिसके लिए हम दोनों आभारी हैं। कैसा गाती है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गाती है ना? मेरी मम्मी कैसा गाती है? बहुत बढ़िया। आप देखती हैं? हाँ। अलका कैसा गाती है? बहुत अच्छा। बढ़िया। कौन गाता है? क्या देखा? डांस वगैरह भी इतना बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। पूरा ब्लॉग। पूरा ब्लॉग। बहुत अच्छा। प्रेम भैया। हाँ ना। उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं जो हंस हंस के करती हैं। चटपटी सी। अपनी नानी क्या गई थी? वो भी हमने देखा। हाँ ना। वो भी हमने। चटपटी सी।
अमेजिंग मतलब आई हैव नेवर बीन टू अ प्रोग्राम लाइक दिस बट मजा आ गया थैंक यू बहुत है ना अमेजिंग सिंगिंग अरे थैंक यू आपके सिंगिंग में तो हम लोग पागल होकर झूम रहे थे एक हाथ मेरा मूवमेंट कर रहा था एक हाथ मैं सच में आपकी फैन हो गई थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद हम तो मतलब पहली बार भोजपुरी मान रहे और आप दोनों का अगर प्रोग्राम हो तो हम हमेशा आने चाहिए अरे अरे शुक्रिया शुक्रिया आपने ब्लॉग में बोला था कि आपको घोड़ा और गुड़ की रस पिया था तो मुझे वो देख के इतनी क्रेविंग हुई कि सेम डे मैंने घोड़ा और गुड़ और दही का रस पिया किया था सेम डे मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी सुन के और मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ बराबर बहुत अच्छा लगता है आपका जो टेंशन आप खाना बनाते हैं या अपनी सासू माँ के साथ बैठ के बातें करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ये भाई विनर है अपना मैं समाप्त कर रही हूँ तो जो लोग भी अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी को दिल से शुक्रिया आप लोगों ने जिस तरीके से हमें प्यार दिया ब्लॉग को पूरा देखा जो लोग हम लोग के ब्लॉग को देखते हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पे सभी लोग जो भी लोग आए थे ज्यादातर लोग हमारे ब्लॉग्स को देखते देखने वाले थे लोग थे हाँ तो ये बहुत अच्छा लगा उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोगों ने की बनी माटी के लाल का जो विजेता हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो बहुत ही भविष्य में उनका नाम होगा और वो अपना नाम रोशन करेंगे अपने परिवार का और भोजपुरी भाषा का नाम रोशन करेंगे दिल से शुक्रिया हमारे ब्लॉग को देखने के लिए ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का ये ब्लॉग और हमारे पेज को फॉलो जरूर से करिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाय बाय